nafas, telan udah. Finish. Satu lagi. Satu lagi. Saya sandal lelo. Welcome to my channel. It's all about experience because my video is about what I experience in real life. हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आज एक्चुअली मैंने सोचा ब्लॉग बना देती हूँ. अभी बजी है दोपहर की 12, बट 12:15 गुड मॉर्निंग ही है. और आज है हेमंत का सांप का डे ऑफ. तो डे ऑफ के दिन हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो मैंने सोचा शूट कर लेती हूँ. आज थोड़ा उन्होंने अपना फ़ोटोशूट का भी रखा है कि फ़ोटोशूट कर लेंगे थोड़े से. तो अभी हम जा रहे हैं फ़ोटोशूट के लिए. मैं ना के आई हूँ, थोड़ी तैयार हो जाती हूँ और फिर हम जाएंगे फ़ोटोशूट के लिए. तो साथ साथ शूट भी हो जाएगा. ये देखो, ये ऐसे होता है इनका तैयार होने के लिए. अब मतलब खाना खा के आप फ़ोटोशूट करवा लोगे. अभी 12:15 हो चुके हैं और अभी तक सांप की आयरन पता नहीं ख़त्म ही नहीं हो रही है. तो मैंने सोचा लक्ष्य को पहले खाना खिला देते हैं, फिर चलेंगे शूट के लिए, है ना लक्ष्य? ये देखो प्रोफेशनल फोटोशूट चल रहा है. ये इतने सारे कपड़े उधर, क्या उस हाथ में बैग, ये मेरे पीछे लटक रहा बैग, ये ट्राइपॉड और दो फोन और लक्ष्य कुमार. हम लोग जा रहे हैं फोटोशूट के लिए. कहाँ जा रहे हैं आपको दिखाती हूँ. रहे हैं इधर से जा रहे हैं हम लोग स्विमिंग पूल के पास में. इनको स्विमिंग पूल के वहाँ फ़ोटो खिंचाने हैं. और अभी बच गई है 1:15. कितने फ़ोटो करने हैं? 1, 2, 3, 4, 5. फर्स्ट कहाँ पर? अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट यही है कि मुझे स्विमिंग सीखनी है, क्योंकि बाली में आधी अधूरी एक दिन दो दिन ऐसे सीखा, फिर कुछ ना कुछ हो गया, फिर नहीं सीख पाए. तो होता है ऐसा, मतलब मैंने बहाना नहीं किया था बट मतलब सीखने गए, फिर ट्रेनर ट्रेन मतलब एक बार स्विमिंग वाला जी, हाँ, तो वो वाला नहीं सेट हुआ. फिर मेरा कुछ इशू आया, ऐसे करते करते मतलब निकलता गया. फिर मैंने खुद से कोशिश की, थोड़ा सा मतलब मुझ को कॉन्फिडेंस आ गया. तो अब यहाँ पर वो ये मेरा नेक्स्ट टारगेट. अंदर बैठो, पूरा अंदर घुस जाओ, ठीक है? हाँ, या फिर आप वहाँ जाके बैठ जाओ उधर. बस ठीक है, बैठ जाओ. खुद ही कर रहे हो? जाओ वो बाथरूम वहां पर है. पहन के जाओ, चप्पल पहन के जाओ. क्या हुआ? एक मिनट. हाँ क्या कर दी? वो उधर जाके करके आ जाओ. जाओ, कैसा आया? लाइटिंग बहुत मस्त आ रही है, गर्मी लग रही है. मैं तो मस्त लग रही है. अब बैठो ना, थक जाओगे. इसका क्या, फोन नहीं चल रहा है ना अभी, इंटरनेट. एक आउटफिट कंप्लीट, बहुत जल्दी कंप्लीट हुआ वैसे पहली बार. सो पापा कपड़े चेंज कर रहे हैं, मैं और लक्ष्य बैठे हैं. लक्ष्य आपका भी फोटो शूट कर ले. क्यों, क्या हुआ आपका फोन नहीं चल रहा है? क्या हुआ आपके फोन को? तो नेट से चला गया मैं. तो डाउनलोड वाले होंगे ना बीबी का फोन का? वहां क्यों रख क्या, लेके आओ मैं दिखाती हूँ. वो है ना मैं चप्पल चाहती. हाँ तो चप्पल पहन के जाओ. एक्चुअली मेरे ना कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मतलब अजीब सा फील हो रहा है. हाँ बेटी, अजीब सा फील हो रहा है. तो मैं एक्सरसाइज तो पहली बार कितने महीनों बाद ऐसा हुआ है कि एक हफ्ता हो गया मैंने बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं की है. बहुत अजीब सी होती है ना फीलिंग. वेट लॉस पे तो मैं हुई हूँ, क्योंकि अभी तक तो वज़न तो कम करना ही है. बट जो मेरे 5 रूल्स है वो तो मैं कर, उसमें से सिर्फ एक है एक्सरसाइज, वो मैं नहीं कर रही हूँ. बाकी सब तो मेरा अच्छे से चल रहा है घर पे, क्योंकि खाना तो आपको खाना ही पड़ता है, चबा के भी खाना पड़ता है, जो भी है सब वो तो चल रहा है. और हाँ, जिन्होंने मेरा 5 रूल वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो प्लीज़ जाके देखना कि क्या बोल रही हूँ मैं एक्चुअली. तो वो मैं फॉलो कर रही हूँ, बट एक्सरसाइज नहीं हो रही है. प्राणायाम कर लेती हूँ 15 मिनट का, बट उसके ज़्यादा आगे कुछ नहीं हो पा रहा है.
तो जैसे थोड़ा सा मतलब बेटर फील होने लगेगा फिर मैं करूँगी। टाइम सब सेट होता है, सब कुछ हो रहा है, बट मन नहीं हो रहा है, क्या करो। ये ब्लॉग भी मतलब नहीं बनाने का मन हो रहा था, बट हुआ कि हेमंत बोलते मेरा आज बहुत टाइम बाद, मतलब हम लोगों को क्योंकि पिछली बार की जो छुट्टी थी वो बॉगर चले गए थे तो वो नहीं हुआ टाइम सेट, तो आज है कि 4-5 आउटफिट में फ़ोटोशूट उनका हो जाएगा, तो बोले खींच लो, इसलिए आ गए। चलो नेक्स्ट आउटफिट। हाँ, आप लोगों ने नहीं देखा है मेरा वो वाला वीडियो तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखना कि 5 ऐसी कौन सी सिंपल चीज़ें करके हम अपना वेट जो है मेंटेन या लूज कर सकते हैं। लक्ष्य हटो बेटी, पापा का फोटो खींच रही हूँ। हाँ ठीक है, चलो रेडी। वो ही कर रही हूँ। हाँ रेडी, वापस रेडी, वापस रेडी। आ गया हाँ, रेडी, वापस रेडी। ओके सी फर्स्ट, इधर छाया में आन देख, गर्मी लाग गई मन तो। क्या कर रहे हो? इधर आओ, मैं दिखाती हूँ, इधर बैठो। आ रही आ रही, ये लो। ठीक है, स्लो वॉक इसमें भी लेना है, लेना है। अच्छा, फॉर थर्ड आउटफिट। थर्ड आउटफिट क्या होता है? थर्ड आउटफिट गर्मी में मैं पानी लाई थी, मैं पानी का क्या। शायद घर पे ही बोतल रख के भूल गई मैं। अब कहाँ जाना है? अच्छा स्विमिंग पूल के अंदर वाला अभी लेना है, तीसरे में मतलब यहाँ बीच में खड़ा रह के लेना। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ मेरे से ज़्यादा तो आपको ऐसा पोस्ट करना ब्लॉग का, मतलब यूट्यूब का। कितना है मतलब ड्यूरेशन? 20 घंटे। 20 घंटे का है मतलब वीक का? दो दिन वो तो पूरा बात करके मैं आपको भेजता, आप देख लेना आपके साथ। मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई कोर्स करना जरूरी है, बना रहे तो चलिए। एग्जैक्टली, वैसे पैसे खर्च हो जाते हैं घूमने फिरने में, वरना सोचो ये हो जाएगा तो नेक्स्ट लेवल पे थोड़ा फर्क पड़ता है उस चीज़ का। मतलब ये जो आप बना, अपन बना के खा लो, मतलब मेहनत पूरी कर रहे हैं, बट वो स्मार्टली वो समझ नहीं आ रहा कि अपलोड करने के बाद कैसे क्या मार्केटिंग कर सकते हैं। मैं तो 2 आउटफिट में थक गए। क्या चाहिए लक्ष्य आपको? हाँ दे रही हूँ। हाँ वही अच्छा चश्मा तो लाइटिंग कैसी आ रही है? अच्छी आ रही है, बट मैं उस साइड जाके लेती हूँ। लक्ष्य नो, ये नहीं पी पाओगे आप, को पोकारी लो, पोकारी। तबीयत ठीक नहीं हमारी, थोड़ी पीने दो ना। मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है ना। मक्ता अब मैं जा रहा हूँ वहां से आना। हाँ ये देखो मेरा छोरा मजे से पी रहा, मजे से। ये जो पी रहा है ये पोकारी यहाँ बोलते हैं, और ये एक्चुअली होती है नींबू पानी, जो मज़ा आ जाता पी के, बट बहुत ज़्यादा शुगर होती है, इससे अच्छा घर का ही पियो। फूट आउट पी आओ उधर आगा पाछा कर दिया है, ब्रेक आ रही है थोड़ी सी, पास में आके लेती हूँ ना। अंदर वाला डूब ना, डूब जा जा। ठीक है, अब पहले अंदर देखो। ठीक है,
पहला मैंने हैंग बता पे कूद ऐसे जंप। हाँ ठीक है, किस में लेना, आपके फोन में लो। स्लोमो में कैप्चर फोटो नहीं होते, वीडियो में होते, तो मैं स्लोमो इसमें ले लेती हूँ। फोटो फोटो कुछ चार ड्रेस में फोटो ली, और देखिए मेरी हालत देखिए, पूरी घिली हो गई मैं। और अब लक्ष्य को मुझे स्विमिंग करवानी बनती है, क्योंकि वो कब से वेट कर रहा था। मजा आया लक्ष्य, अब मजा आ रहा आपको। चलो भाई जाते घर पे, भूख लगती जो तो हमें फिर तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे अजीब सा लग रहा है बहुत। हेलो पाया, हाय कर दो। हाय। हमने कपड़े चेंज कर लिए, देखो मेरी मतलब तबीयत का कैसा हो रहा है ना, कि मतलब सुबह तक अच्छा लग रहा था, सारा काम भी कर लिया, और अभी थोड़ा सा फोटो शूट किया और वो धूप में गई, तो मेरे को फिर से अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं आज छुट्टी है हेमंत की, तो सोच रही हूँ कि कोरोना का टेस्ट करवा ही लो। क्या है ना, आजकल बॉडी में कुछ भी होता है तो पहला डाउट वही होता है, जबकि मुझे नहीं लगता वो है, क्योंकि मैं अपना टेम्परेचर चेक कर रही हूँ, मुझे बुखार भी नहीं है, 35 ऐसा आ रहा है, और क्या बोलते हैं ऑक्सीमीटर चेक किया लेवल तो 99 आ रहा है, और हार्ट बीट भी जो है 70-78 ऐसे आ रही है, मतलब एकदम नॉर्मल है सारा। बट फिर भी डाउट निकालने के लिए एक बार टेस्ट करवा लेते हैं। थकान वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अभी थोड़ी देर खाना खा के फिर सो जाएंगे, और फिर उठ के जाके कोरोना का टेस्ट करवा ही देंगे। चाय अच्छी बनाना, ठीक है। ए, किसने बोला? आज आप मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना। बाबू मार कुछ भी हरकत नहीं पड़ रहे, मैं तो बैठे उठे घूम रही हूँ। देखो वो आता है कोरोना टेस्ट करने वाला, उसके पहले चाय बना के पिला दो, पता चले। छुट्टी के दिन तो एक काम तो कर ही सकते, मतलब खाने का, किचन वाला, तो अभी तबीयत ठीक हो जाएगी। कौन सा काम नहीं किया मैंने। अच्छी बनाना मेरे, कम शक्कर वाली, कड़क एकदम, साली काली मिर्ची, लौंग, जितने वो काढ़े वाले होता है ना, काढ़ा में जो डालते हैं सब डाल के, ठीक है, फिर तबीयत ठीक हो जाएगी ना, फिर मैं आपको खाना बना के खिलाऊंगी। ये देखो यशोदा कलाल के लिए है ना, कोई तो स्वैप करवाने आए हैं, तब इनका अपन टेस्ट करवाएंगे अभी। हाँ बकायदा, यस, ही इज गेटिंग रेडी विथ हिज पीपीई किट। यस वो तो इसमें दिखा देंगे अभी, ये आप देखो। या पाया ये वुड एक्सपायर्ड या ब्लॉम, मतलब इनको पता है कोरोना कब तक रहेगा। यस ओ या अप टू यू पा, ओके ऊपर करो। यस हेडा कैसे खींचते हैं आप? फिनिश सतु लगी सांस अंदर ले लो, पता है। इसकी शक्ल देखो यशोदा रतनलाल कलाल की। सुधा भाई ओके, नाउ वी विल वेट फॉर द रिजल्ट। श्योर विद प्लेजर। दिस इज इन प्रोसेस पा, इट्स नियोरा आपा, इट्स यशोदा नॉट नियोरा आपा, ये तो नियोरा Good job. डॉक्टर आए थे चेक करने, पूछो उनसे। गंदे बच्चे डॉक्टर को पूछो,
Oh yeah, okay. Okay. My mom should put that in my ear. Fever, baby. Okay, that's done. और उनको बोल दवाई दो. हाँ अभी हम आए हैं बाहर वॉक के लिए. रिजल्ट तो देख लिया आपने, नेगेटिव आया मेरा. बट एक्चुअली जब 10 दिन से ही ऐसा कंटिन्यू हो रहा था कि मतलब थोड़ी देर ठीक लग रहा है फिर से हो रहा है तो चेक करवाना ज़रूरी था. तो चलो अब एक सेटिस्फाई हो गया कि नहीं वो नहीं. और फिर हमने इंडिया में भी बात की, जैसे मेरे जो देवरानी है उनके भाई मेडिकल में है काफ़ी टाइम से, तो उन्होंने तुरंत जैसे ही मेरा अपने सिम्टम्स बताए तो उन्होंने बोला कि आपको शायद हीमोग्लोबिन आयरन की ही कमी. और वो मुझे क्लिक नहीं हुआ और मुझे लग रहा है कि वो ही सही है एक्चुअली, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मेरे PCOD के सिम्टम्स जो चल रहे थे और इस टाइम मतलब पहली बार मुझे ऑन टाइम पीरियड्स आया था. लाइक एक मंथ जो 28 डेज की साइकिल होती है जो बहुत टाइम से नहीं हुआ, इस बार हुआ. तो उसके बाद ही मुझे ये सब हो रहा है, मतलब ये 10 दिन के बाद ही मुझे कंटिन्यू ऐसी थोड़ी सी इश्यूज आ रहे थे. तो वो हो सकता है, तो मैंने हम लोगों सप्लीमेंट्स मंगा के और घर के भी जो चीज़ें हैं जिससे आयरन का जो होता है आपका वो डेफिशिएंसी वो बढ़ती है, और तो वो भी करूँगी. और थोड़ा सा खाने पीने का बाकी मेरा सब सही है, कोई इशू नहीं है. बट आयरन और फॉलिक एसिड का अभी शुरू कर देंगे तो शायद उससे मुझे वापस रिकवरी हो जाए जल्दी. तो अभी बस हम बाहर वॉक कर रहे हैं, लक्ष्य खेल रहा है, और यहीं पे मैं व्लॉग को अब एंड करती हूँ. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. आज ये देखो PCOD मतलब कोरोना वाला भी आ गया. बट मेन तो ये था कि हम छुट्टी के दिन कैसे रहते हैं, तो कोरोना गो चला गया. तो अब मैं खुश भी लग रही हूँ. तो चलो बेटा, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, से गुड नाइट, गुड नाइट लक्ष्य, से गुड नाइट.